तहसील अधिवक्ता संघ सियोर नारायण का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। सियोर नारायण तहसील परिषद सियोर नारायण में तहसील अधिवक्ता संघ सियोर नारायण का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली ने दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के द्वारा साल श्रीफल पुष्प माला एवं मोमेंटो से स्वागत किया गया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात तहसील अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले तहसील अधिवक्ता संघ शिवनारायण के नव निर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी एवं अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदु बंजारे विधायक पामगढ़ ने की। कार्यक्रम के स्वागत भाषण को संबोधित करते हुए अधिवक्ता गजेंद्र बंजारे ने अतिथियों का अभिवादन करते हुए मांग रखी कि शिवनारायण को तहसील बने लंबा समय हो गया, लेकिन आज तक न हो तो तहसील में उपपंजीयक कार्यालय, नकल शाखा, कानूनगो शाखा, उप कोषालय की सुविधा नहीं मिल पाई। आज भी तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भवन की कमी है। अधिवक्ता बंजारे ने अतिथियों को तहसील में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर महंत राम सुंदर दास महाराज अध्यक्ष गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन ने शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नव निर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी एवं अन्य पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अधिवक्ता आम आदमी की आवाज होता है, पक्षकार आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है ताकि उसे न्याय मिल सके। अधिवक्ता की कोशिश होनी चाहिए कि सैकड़ों दोषी बच जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। श्री मंत ने कहा कि नए अधिवक्ता संघ का गठन हुआ, आप सब लोगों के हित में कार्य करें ताकि लोगों का भरोसा कानून पर बढ़े। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से, जहां शपथ ग्रहण समारोह में राघवेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष ज्योति किशन कश्यप, सदस्य खाद्य आयोग, जिला पंचायत अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया टीम छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेला राम कश्यप की खास रिपोर्ट। हमारे आदरणीय आज परम आदरणीय और श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर राज श्री राम सुंदर दास जी यहाँ आए। हमारे नवीन संघ का गठन हुआ है जिसका अध्यक्ष मैं निर्वाचित हुआ हूँ। बाकी मेरे साथ बाकी साढ़े उपाध्यक्ष सचिव या कार्यकारिणी लिए हैं और भाई विवेक चलन दुबे भी आए थे, प्रभाकर चंदेल भी आए थे। उन सबका मैं दिल से और पूरे शिवनायन वासियों की तरफ से दिल से स्वागत करता हूँ। 25 साल बाद तहसील की दर्जा मिली, ऐसा आपने जानकारी प्रदान किया। आज अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह है, बताएंगे। शिवनय नगर एक ऐतिहासिक नगर है। 125 वर्ष पहले जब बिलासपुर जिला में संबलपुर तक के आता था, उस समय यह शिवनय तहसील हुआ करता था। महानदी में बाढ़ आने के कारण तहसील को अन्यत्र ले जाया गया और आज शिवनय तहसील अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ है। प्रथम अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी जी बने हैं और सभी प्राधिकार में बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूं कि आज शिवनायन के लिए ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन है कि शिवनायन पृथक से तहसील अध्यक्षता संघ का गठन हुआ है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शिवनायन को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं और उसके तहत उन्होंने शिवनायन को पूर्ण तहसील दे करके, शिवनायन को अनुविभागीय दर्जा दे करके, अनुविभागीय पुलिस का दर्जा देकर के उन्होंने गौरवान्वित किया है। उसके मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ही बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं और आग्रह है कि इसी प्रकार शिवनायन का विकास वो उत्तरोत्तर करते रहेंगे, ऐसी मैं कामना और प्रार्थना भी करना चाहता हूं। अधिवक्ता संघ के गठन के लिए सभी अधिवक्तागण हार्दिक शुभकामनाएं और जो भी इसमें निर्वाचित पदाधिकारीगण हैं उनको बधाइयां। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे जो अधिवक्तागण हैं जिन्हें विधि वेत्ता कहते हैं, वो एक समाज के प्रमुख अंग हैं जो न्यायपालिका और एक आम जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका है वो विधि के अनुसार